हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, क्लास सेवेंथ में आपका चैप्टर चल रहा है कौन सा, जीवों में श्वसन, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स हम पढ़ रहे हैं। तो रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स में कुछ प्रश्न आपके सामने लाए गए हैं। पहला प्रश्न आप समझेंगे, हैव यू एक्सपीरियंस्ड पेन। आप खुद के अनुभव से इस प्रश्न का उत्तर देंगे। क्या आपने कभी अपने हाथों में और पैरों में लंबे समय तक एक्सरसाइज करने के बाद दर्द का अनुभव किया है, यह आपका प्रश्न है। तो इस प्रश्न के उत्तर में कल मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कि रेस्पिरेशन यानी श्वसन की प्रक्रिया जो है वो तीन प्रकार की होती है। पहला आपका मैंने बताया था कि वायवीय श्वसन होता है, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जब भरपूर ऑक्सीजन की मात्रा अवेलेबल हो तब श्वसन की प्रक्रिया होती है, उसे हम वायवीय श्वसन या एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन में बहुत सारी ऊर्जा उत्पन्न होती है और उसमें किसी भी, अगर आप बहुत सुचारू रूप से आपको ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है तो किसी भी तरीके का आपको थकान जो है अनुभव नहीं होगी। लेकिन एक दूसरे प्रकार के रेस्पिरेशन के बारे में भी मैंने बात करी थी, जो था अवायवीय श्वसन या एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ये जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन था, ये आपको मैंने दो प्रकार का बताया था। एक ऐसा जिसमें बिल्कुल ही ऑक्सीजन अनुपस्थित थी, ऑक्सीजन की एब्सेंस में श्वसन। अवायवीय वाला श्वसन मैंने आपको बताया था बच्चों कि दो प्रकार का अवायवीय श्वसन होता है। एक तो ऐसा जिसमें ऑक्सीजन एक में बिल्कुल एब्सेंट है, यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ईस्ट में अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया होती है। दूसरे प्रकार की अवायवीय श्वसन जो ऑक्सीजन के अभाव में हो जाती है, जहाँ पे, जैसे हमने कल के सेशन में बात कर ली थी कि हम मान लीजिए किसी पहाड़ पे चढ़ाई चढ़ रहे हैं या ऐसे कम दबाव वाले क्षेत्र में जा रहे हैं जहाँ पर, जैसे केदारनाथ में दबाव ज़्यादा होता है ना, ऑक्सीजन का जो कह सकते हैं कि वो थोड़ा कमी होती है ना, अनुपस्थित तो नहीं होती लेकिन थोड़ा कमी होती है। तो ऐसे समय में जब ऑक्सीजन की कमी भी हो और शरीर मेहनत भी कर रहा हो, ऑक्सीजन सुचारू रूप से शरीर के अंदर ना जा, मतलब एक तो अभाव है, अभाव होने के साथ साथ ही हम इस तरीके से सांस भी नहीं ले रहे हैं आराम से, क्योंकि जब हम चढ़ाई चढ़ रहे होते हैं तो हमारे सांसों की दर जो है वो बढ़ जाती है। तो उस समय पर ऑक्सीजन की सप्लाई ठीक तरीके से हमारे शरीर में हर एक कोशिका तक ना हो पा रही हो, तो उस समय पर शरीर क्या करता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन करने लगता है, अवायवीय प्रकार का श्वसन करने लगता है, जहाँ पर 6 कार्बन अणुओं वाला जो ग्लूकोज है वो पूर्ण रूप से ब्रेक डाउन नहीं होता और कम्प्लीटली ब्रेक डाउन ना होने के कारण लैक्टिक एसिड बनाने लगता है, और लैक्टिक एसिड आपके मांसपेशियों में जम जाती है, जिससे क्या होता है, हमें दर्द का अनुभव होता है। तो ये प्रश्न सभी बच्चे नोट कर लेंगे, इसका उत्तर लिखेंगे। व्हेन यू एक्सरसाइज योर बॉडी एक्सपीरियंसेस अ टेम्परेरी डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन। टेम्परेरी ऑक्सीजन की डिफिशियंसी के कारण द मसल सेल्स बिगिन टू अंडरगो एनएरोबिक रेस्पिरेशन। मसल सेल्स यानी मांसपेशियां जो होती हैं वो एक प्रकार का अवायवीय श्वसन, वही जो मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन के अभाव में अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया करने लगती हैं टू प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी। क्यों ये प्रक्रिया होने लगती है, क्योंकि शरीर को हमारे निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दिस लीड्स टू द प्रोडक्शन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। लेकिन जब इस तरीके का अवायवीय श्वसन इंसान के, मनुष्य के शरीर में होता है तो उससे क्या होता है, ग्लूकोज का विखंडन पूर्ण रूप से नहीं हो पाता और लैक्टिक एसिड बनने लगता है, और वही लैक्टिक एसिड जो बनता है वो हमारी मांसपेशियों में एक्यूमुलेट होने लगता है, यानी कि इकट्ठा होने लगता है, विच लीड्स टू मसल क्रैम्प्स एंड पेन इन द बॉडी। और यही मसल क्रैम्प्स यानी कि मांसपेशियों की ऐंठन और शरीर में दर्द का कारण होता है, मांसपेशियों ऐंठन और दर्द का कारण होता है। तो ये प्रश्न और इसका उत्तर सभी बच्चों को आई थिंक समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे बच्चों, एनालाइजिंग ब्रीदिंग रेट। नहीं, प्रश्न नहीं है ये, आपका कॉन्सेप्ट ही है पूरा। आपको आपकी श्वसन दर को एनालाइज कैसे करना है उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम निरंतर सांस ले रहे हैं, है ना,
तो क्या आप और आपका दोस्त तुलना करें तो क्या 1 मिनट में जितनी सांस आप ले रहे हैं उतनी ही सांस आपका दोस्त ले रहा है? ऐसा जरूरी नहीं है। हर व्यक्ति की जो श्वसन दर होती है वो अलग अलग होती है। मतलब जैसे हो सकता है कि मैं थोड़ा सा लंबी सांस लेती हूँ, मुझे लंबी सांसें लेने की प्रैक्टिस है, तो मैं 1 मिनट में कम सांस लूंगी। कोई ऐसा है जो सांस जल्दी जल्दी लेता है तो वो क्या करेगा, 1 मिनट में ज्यादा सांसें ले जाएगा, है ना? तो सांसों का जो दर है, यानी कि कितनी लंबी लंबी कितनी गहरी सांस है, और आप सभी को पता है कि जब हम जैसे एक घटना को अगर आप विजुअलाइज करें, जैसे किसी बच्चे के दादाजी आए हैं, है ना, दरवाजे पर घंटी बजी, तो बच्चा बहुत तेज से दौड़ता हुआ गया, ऊपर की फ्लोर में था, दौड़ता हुआ गया वो नीचे, सीढ़ियाँ चढ़ के, सीढ़ियाँ उतर के दौड़ते हुए आया, गेट तक गया, और उसके बाद वो क्या करने लगा, वो हाँफने लगा। क्यों हाँफने लगा? क्योंकि उसकी श्वसन दर जो है, ब्रीदिंग रेट जो है, वो बढ़ गया था। ब्रीदिंग रेट चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम, कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट के आधार पे। ब्रीदिंग रेट चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम एज द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन चेंजेस इन द बॉडी। जैसे जिस समय पे बच्चा दौड़ रहा था, जब आप आराम से शांत मुद्रा में बैठे हैं, तब आपको ऑक्सीजन की उतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि तब हम अपने शरीर के द्वारा उतनी ज़्यादा ऊर्जा की खपत नहीं कर रहे होते हैं। अब जैसे आप सभी क्लास में बैठे हैं, तो क्लास में बैठ करके आप पढ़ रहे हैं, तो आप बहुत ज़्यादा ऊर्जा की खपत नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपको अगर मैदान में दौड़ा दिया जाए, तो क्या अभी खर्च हो रही ऊर्जा और मैदान में दौड़ते समय खर्च हो रही ऊर्जा में कोई अंतर नहीं है? अंतर है। अभी आप बहुत कम ऊर्जा खर्च कर रहे हैं, और ज़्यादा ऊर्जा की खपत के बावजूद, कम ऊर्जा की खपत के बावजूद भी आप आराम से बैठे हुए, आपकी सांस सामान्य दर पर चल रही है, निरंतर चल रही है। जब आप मैदान में जाएंगे और आप दौड़ना भागना शुरू करेंगे, बहुत तेज़ दौड़ने लग जाएंगे, तो बहुत तेज़ दौड़ते समय क्या होगा, आपकी जो एनर्जी है वो ज़्यादा खर्च होने लगेगी। तो जब आपकी एनर्जी ज़्यादा खर्च होने लगेगी, तो आपको ज़्यादा एनर्जी प्रोडक्शन करने की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब तब आपके शरीर को ज़्यादा ऊर्जा की खपत के लिए ज़्यादा ऊर्जा का निर्माण होना भी ज़रूरी है। तो हमें उस टाइम पे ऑक्सीजन बहुत भरपूर मात्रा में चाहिए, बहुत प्लेंटी उसमें चाहिए, ताकि खूब सारी ऑक्सीजन चाहिए, ताकि हम निरंतर सांस लेते रहें। लेकिन होता क्या है, ऑक्सीजन अवेलेबल तो है, लेकिन हमारी सांस की दर बढ़ जाती है, और हम उतना ऑक्सीजन अपने शरीर में इनहेल नहीं कर पाते हैं जितने की आवश्यकता होती है ना? तो एनालाइजिंग ब्रीदिंग रेट का मतलब क्या है बच्चों, कि हम सभी बहुत बार होता है, द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन इनहेल्स एंड एक्सहेल्स, है ना? ब्रीदिंग रेट यानी कि श्वसन दर का मतलब क्या है, कोई व्यक्ति कितनी बार अपनी सांस अंदर को खींच रहा है और कितनी बार उस सांस को छोड़ रहा है, और या 1 मिनट के अंदर कितनी सांसें ले रहा है, उसे हम ब्रीदिंग रेट कहते हैं। तो श्वसन दर जो है वो हर व्यक्ति में अलग अलग हो सकती है ना? ब्रीदिंग रेट का मतलब क्या हो गया, सभी बच्चे एक बार फिर से ध्यान से समझेंगे, ब्रीदिंग रेट का मतलब क्या हो गया? यदि कोई व्यक्ति अपनी सांस ले रहा है अंदर को, तो क्या कर रहा है, इनहेल कर रहा है ऑक्सीजन को, यानी अंतः श्वसन की प्रक्रिया कर रहा है, और यदि सांस को छोड़ रहा है, तो मतलब एक्सहेल कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड अपने शरीर से बाहर छोड़ रहा है, यानी कि वो उच्च श्वसन की प्रक्रिया कर रहा है। तो 1 मिनट के अंदर प्रति व्यक्ति ली गई सांस की संख्या क्या कहलाती है, श्वसन दर कहलाती है, और इसको हम ब्रीदिंग रेट के नाम से जानते हैं। तो ब्रीदिंग रेट जो है वो समय समय पर, एक ही व्यक्ति के अंदर भी समय समय पे ब्रीदिंग रेट जो है वो चेंज होती है। जब आप वही अभी हमने एग्जाम्पल देखा, जब आप सामान्य तौर पर अपने कक्षा में बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके ऊर्जा की खपत इतनी ज़्यादा नहीं हो रही है, तो इसलिए आपका ब्रीदिंग रेट जो है वो सामान्य है। जब हम
मैदान में दौड़ना शुरू करते हैं तो ऊर्जा की खपत बढ़ जाती है, और ऊर्जा की खपत बढ़ने का कारण क्या होता है, श्वसन दर भी जो है वो बढ़ जाती है। यानी कि श्वसन दर समय समय पर चेंज होती रहती है और प्रति व्यक्ति श्वसन दर भी अलग अलग होती है, अलग अलग समय पर भी श्वसन दर अलग अलग होती है। तो श्वसन दर का मीनिंग क्या हो गया बच्चों, श्वसन दर का एग्जैक्ट मीनिंग हुआ कि प्रति व्यक्ति द्वारा एक मिनट में ली गई, यानी कि अंतः श्वसन ली गई, यानी कि अंतः श्वसन और छोड़ी गई, यानी कि उच्च श्वसन और छोड़ी गई सांसों की संख्या, सांसों को हम क्या कहते हैं, श्वसन दर या ब्रीदिंग रेट कहते हैं। तो सभी बच्चों को समझ में आ गया कि हम ब्रीदिंग रेट या श्वसन दर किसे कहते हैं, द नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी बार, है ना, कितनी बार किसी व्यक्ति ने इनहेल किया और एक्सहेल किया, और ब्रीदिंग इन वन मिनट इज नोन एज ब्रीदिंग रेट। एक मिनट के अंदर कितनी बार सांस ली गई है और कितनी बार सांस छोड़ी गई, अब वो समय समय पे प्रति व्यक्ति चेंज होती है। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल के तौर पे बताया बच्चों कि हम अभी क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं बैठ के, तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आप क्या कर रहे हैं, सामान्य तौर पर अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं और आप अपनी सांस को ले रहे हैं, ले रहे हैं का मतलब ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं, सांस को अंदर की तरफ खींच रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं, सांस को आप बाहर की तरफ छोड़ रहे हैं, यानी कि एक्सहेल कर रहे हैं, यानी कि उच्च श्वसन की प्रक्रिया कर रहे हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को जो कि आपके शरीर के लिए एक्सक्रीटरी मटेरियल हो गया, जिसको हम अपने शरीर में बहुत देर तक होल्ड नहीं कर सकते, वो प्रैक्टिस मैंने आपको करके बताई थी कि कैसे आप सांस को जब अंदर को खींचते हैं तब हर आती हुई सांस आपको आपको फील होगा, आपको ऊर्जा का अनुभव होता है जब आप सांस अंदर को खींच रहे होते हैं। लेकिन जब आप सांस को अंदर खींच रहे होते हैं उसके बाद मैंने आपको बोला था कि आप होल्ड करके देखिए सांस को, रोक करके, क्या कोई व्यक्ति, कोई बच्चा एक मिनट से ज़्यादा अपनी सांस को रोक पाया था, तो एक मिनट बहुत मैक्सिमम आपने रोका, तो डेढ़ मिनट, मतलब डेढ़ मिनट तो जो लोग बहुत योग करते हैं वो रोक पाते हैं, तो सांस को रोका नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि हमने इनहेल किया, जब ऑक्सीजन को अंदर लिया हमने अपने शरीर के, और ऑक्सीजन हमारे शरीर में यूज हो गई ग्लूकोज के विखंडन में, फिर क्या हुआ, फिर जब हम सांस प्रोडक्ट बना है कार्बन डाइऑक्साइड, वो हम अपने शरीर के बाहर रिलीज नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड जो बन गया उसको छोड़ने के लिए हमारा सांस का छोड़ना जरूरी है। समझ में आ गया सभी बच्चों को, जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो हमारे लिए एक्सक्रीटरी मटेरियल की तरह होती है, उसको हम अपने शरीर के बाहर, किसी बच्चे ने बोला कि मैंने सांस ली है और मैं रोकूंगा लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं, तो ऐसा संभव नहीं है। आप सांस को होल्ड करेंगे लेकिन आप रिलीज, आपने स्वयं अगर सांस नहीं छोड़ी तो अपने आप सांस आपकी जो है वो छूट जाएगी। मतलब कभी भी, मैंने आपको ये प्रैक्टिस करवाई भी थी कि आप अगर सांस ले रहे हैं और होल्ड कर रहे हैं तो आप अपने आप सांस को छोड़ देंगे। मान लीजिए नहीं छोड़ना है आपको, आपने मन में सोचा कि मैं सांस को नहीं छोड़ूंगा, होल्ड करके रखूंगा, लेकिन क्या आप होल्ड कर पाए उसको, आप होल्ड नहीं कर पाए। तो मतलब अंतः श्वसन और उच्च श्वसन, इनहेलेशन और अनुभव करके बताएंगे बच्चों, और सामान्य तौर पर सभी बच्चे जानते हैं कि जब आप आराम से बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं तब आपकी श्वसन दर सामान्य है या कम है, मतलब आप इजीली सांस ले रहे हैं, इजीली सांस छोड़ रहे हैं। अभी आपको बोल दिया जाए कि दौड़ो, 1 किलोमीटर दौड़ के आओ, तब क्या आपकी जो सांसों की स्पीड है वो एक जैसी होगी, तब आपकी सांसों की स्पीड कैसी हो जाएगी, तेज हो जाएगी। तो हम क्या कहेंगे कि श्वसन दर जो है वो कैसी हो गई, बदल गई, मतलब श्वसन दर जो है वो तेज हो गई। अब आप 1 मिनट में
जितना सामान्य तौर पे सांस ले रहे थे उससे ज्यादा सांसें गिन रहे हैं, है ना। मतलब आप थोड़ी ज्यादा तेज, जिसको हम सामान्य तौर पे क्या कहते हैं कि हांफने लगे, हांफने लगे का मतलब क्या होता है, जल्दी जल्दी सांस लेने लगे। तो समय समय पे, अलग अलग समय पे, परिस्थिति के अनुसार क्या होता है, हमारी श्वसन दर जो है वो बदलती रहती है। और श्वसन दर को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों, ब्रीदिंग रेट कहते हैं। तो ब्रीदिंग में क्या चीज आ गई, ब्रीदिंग में आपका सांस लेना और सांस छोड़ना, ये दोनों शामिल हो गया। तो ब्रीदिंग रेट का मतलब हो गया एक मिनट के अंदर, सभी बच्चों का क्लियर हो गया, एक मिनट के अंदर हम कितनी सांस ले रहे हैं, मतलब एक सांस हम किसको कहते हैं। अगर एक सांस को लिया जाए तो हमने एक सांस अंदर को खींची, है ना, एक सांस हमने इनहेल करी और उसके बाद एक सांस छोड़ी, उच्च श्वसन करा, तो इन दोनों को मिला करके एक सांस बनी। मतलब सांस अंदर को खींचे आप, अंदर गई फिर आपने उसको छोड़ा, तो जब अंदर ली और बाहर छोड़ दिया उसको हम क्या बोलेंगे, इन दोनों को मिला करके हम एक सांस बोलेंगे। तो ये जो एक सांस ली हमने, ये एक मिनट में कितनी बार ली गई, है ना, नंबर ऑफ ब्रीद, मतलब कितनी बार हमने ये सांस ली और कितनी बार छोड़ी, इस दर को हम क्या कहते हैं, श्वसन दर कहते हैं। तो आई होप सभी बच्चों का क्लियर हो गया होगा कि एक मिनट के अंदर हम कितनी बार, ये भी आपके लिए एक अच्छा अनुभव हो सकता है, आप और आपका साथी जो बैठा हुआ है, आप दोनों घड़ी देख करके, हो सकती है दौड़ते समय भी, हो सकता है कोई बच्चा लंबी लंबी सांसें ले रहा हो और कोई बच्चा उतनी लंबी सांसें ना ले रहा हो, कोई बच्चा बहुत ज्यादा हांफने लगे, कोई बच्चा कम हांफने लगे, तो ये क्या हो गया, ये हो गया श्वसन दर। तो अगर किसी बच्चे को श्वसन दर में यानी कि ब्रीदिंग रेट में कोई कंफ्यूजन है, या आपका कोई कॉन्सेप्ट इसमें नहीं क्लियर हुआ है, या आपको कोई क्वेश्चन है, तो आप चैट के माध्यम से तुरंत ही मुझसे पूछ सकते हैं, या हैंड रेज के माध्यम से जो आपके पास ऑप्शन है उसमें भी आप मुझसे पूछ सकते हैं कि ब्रीदिंग रेट में अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो। नेक्स्ट, आप काउंट कर सकते हैं ब्रीद को, आप अपनी सांसों को गिनने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, सांसों को गिनने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ब्रीदिंग रेट कैन बी कैलकुलेटेड बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ ब्रीथ्स यू टेक, जो आप सांस ले रहे हैं उसको आप क्या करें, काउंट करके देखें। जैसे सांस एकदम एक सेकेंड के लिए सभी बच्चे होल्ड करें और सांस अपनी गिनना शुरू कर दें, है ना। देखिए जब आप गिनना शुरू करते हैं तो क्या करते हैं, जब आप सो रहे हैं, है ना, वाइल एट रेस्ट, यानी कि आराम के समय पर, जब आप आराम कर रहे हैं तो आराम के समय पे सांस दर कैसी है, ड्यूरिंग नॉर्मल वॉक, यानी कि सामान्य जब आप चल रहे हैं, सामान्य चलते समय, सामान्य चलते समय भी आपकी क्या है, ब्रीदिंग रेट यानी श्वसन दर कैसी है, आपको खुद अनुभव होगा कि अलग अलग है। आफ्टर ब्रिस्क वॉक ऑफ 10 मिनट्स, ब्रिस्क वॉक क्या मतलब है, तेज तेज चलते समय, ब्रिस्क वॉक का मतलब होता है तेज चलते समय आपकी श्वसन दर कैसी है, एकदम अलग आपको महसूस होगा। आफ्टर रनिंग वेरी फास्ट, 10 मिनट तक आप बहुत तेजी से दौड़े, उस समय पे आपकी श्वसन दर कैसी है, तेज दौड़ते समय, तेज दौड़ते समय। और उसके अलावा अब एक टेबल बनाइए आप, अब आप एक सारणी बनाएं अपनी तरफ से, और अलग अलग समय पे आपकी श्वसन दर कैसी थी इसको देखें। तो जब आराम आप कर रहे थे तो आपकी श्वसन दर कैसी थी, मतलब आप लंबी लंबी सांसें ले पा रहे थे। जब आप सामान्य चल रहे थे, है ना, जैसे सामान्य हम क्या करते हैं, घर से स्कूल आते समय हम सामान्य तौर पर चलते हुए आते हैं, तब हमारी सांस की दर कैसी होती है, थोड़ा सा बढ़ जाती है। लेकिन जब मान लीजिए आपका केवल 5 मिनट बचा है स्कूल का और आपके स्कूल की दूरी 7 मिनट की है, तो आप क्या करेंगे, उन 2 मिनट्स को कवर करने के लिए थोड़ा सा तेज चलने लग जाएंगे। तो जब आप ब्रिस्क वॉकिंग करने लगेंगे या थोड़ा तेज चलने लग जाएंगे तो उस समय पे आपकी श्वसन की दर, जो सांसों की दर है, वो कैसी हो जाएगी, थोड़ा सा चेंज हो जाएगी।
अब आप बिल्कुल स्कूल के अंदर पहुंच गए, लेकिन प्रेयर होने लग गई, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा दौड़ना पड़ेगा। अब थोड़ा सा दौड़े आप, 10 मिनट आप दौड़े, और दौड़ने के बाद आप गए अपनी प्रेयर में खड़े हुए, तो वहां पे क्या हुआ, आप हांफने लगे थे। मतलब आप जब तेज दौड़े उस समय आपकी श्वसन की दर बहुत ज्यादा हो गई। तो ये क्या हुआ बच्चों, आप काउंट कर सकते हैं अपनी सांसों को। जब आप इसको ट्राई करके देखेंगे तब आपको ब्रीदिंग रेट का एग्जैक्ट मीनिंग समझ में आएगा। मतलब हमारी श्वसन की दर, हमारी सांस लेने की जो दर है, वो समय समय पे क्या होती है, बदलती रहती है। मतलब एक ही इंसान की सांस लेने की दर जो है, अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार चेंज होती है। मतलब जैसे मैं हूँ आपको पढ़ा रही हूँ, तो अभी सामान्य सांसें हैं मेरी। जब मैं सीढ़ियों से नीचे उतरूंगी या सीढ़ियों से ऊपर चढ़ूंगी, तो सांसें जो हैं थोड़ा सा बढ़ जाती हैं। अगर मुझे कोई ऐसी ज़रूरत पड़ी कि जहाँ मुझे दौड़ना है, तो दौड़ते समय सांसें बहुत ज़्यादा तेज हो जाती हैं। तो ये क्या है, ये हमारे श्वसन की दर है। कि जब हम बैठे हैं आराम से, तब हमारी जो ब्रीदिंग रेट है, जो श्वसन दर है, वो सामान्य होती है। जब हम दौड़ रहे होते हैं उस टाइम पे हमारी श्वसन दर यानी ब्रीदिंग रेट जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जब हम तेज चल रहे हैं उस समय पे थोड़ा और ज्यादा हो जाएगी। और अगर कोई ऐसी जरूरत पड़ी कि जब हमें दौड़ना पड़ा, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि आप अपने घर से स्कूल आ रहे हैं, तो आप आराम आराम से, अभी तो एकदम रेस्ट में बैठे हुए हैं, खाली मेरी बात को सुन रहे हैं, तब आप क्या है, आपकी जो आप सांस ले रहे हैं, है ना, सांस को तो सभी बच्चे महसूस कर सकते हैं। तो जब हम सांस ले रहे हैं तो आपको फील होगा, आप ऐसे हाथ को अपने चेस्ट पे रख के अपनी सांस को महसूस कर सकते हैं। ऐसे सांस लंबी खींचिए और छोड़िए। तो जब आप बैठे हैं तो आप नॉर्मल सांस ले रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए आपको सर बोल दें कि जाओ और दौड़ के जाओ, दौड़ के वापस आओ, तो जब आप सामान्य चलते हुए जाएंगे तो तब भी सांस दर थोड़ा ठीक रहेगी। जब आप बहुत तेज चलने लगेंगे तो थोड़ा सा सांस की दर, मतलब सांस की दर का मतलब क्या हुआ, जो आपकी सांस लेने की स्पीड है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगी। अगर आपको बोल दिया गया कि तेज दौड़ के जाना है, तो जब आप लेट हो रहे होते हैं कहीं पर, तब आप बहुत तेज दौड़ते हुए, जैसे मान लीजिए आपका स्कूल लगने का समय हो गया और आपको आने में लेट हो गया था, तब आप क्या करते हैं, तेज दौड़ते हुए अपनी कक्षा की तरफ जाते हैं। तब क्या होता है, तब हमारी सांस की दर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, फिर हम ऐसे हांफने लगते हैं, है ना। यानी कि सांस की दर हमारी क्या हो गई है, अभी बढ़ गई है, जब हम तेज दौड़ने लगे थे। तो हर एक बच्चे की, हर एक व्यक्ति की सांस की दर जो है समय समय पे बदलती है। जब आप आराम कर रहे हैं तब सांस की दर अलग है, जब आप तेज चल रहे हैं तब आपकी सांस की दर अलग है, जब आप सामान्य चल रहे हैं तब आपकी सांस की दर अलग है, तेज दौड़ते समय आपकी सांस की दर अलग है, और अगर आप पहाड़ चढ़ रहे हैं तो उस समय पे आपकी सांस की दर अलग है, सोते समय आपकी सांस की दर एकदम सामान्य यानी कि बिल्कुल अलग होती है। तो आप सभी ने महसूस किया होगा, आप सभी ने नोटिस किया होगा दैट योर ब्रीदिंग रेट इज मिनिमम व्हेन यू आर एट रेस्ट एंड मैक्सिमम व्हेन यू आर रन वेरी फास्ट। जब आप सो रहे हैं या सामान्य तौर पे आराम कर रहे हैं तब आपकी सांस की दर सबसे कम होती है, और जब आप बहुत तेज दौड़ रहे होते हैं तब क्या होती है, सांस की दर सबसे ज्यादा होती है। तो इसके पीछे का क्या कारण है, है ना, ये डिफरेंस श्वसन दर के अंदर जो अंतर आ गया, सोते समय या आराम करते समय बहुत कम थी और दौड़ते समय बहुत ज्यादा हो गई, तो इसके पीछे का कारण क्या है। इसके पीछे का कारण है आफ्टर हैवी एक्सरसाइजिंग, यानी बहुत ज्यादा दौड़ने के बाद या बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने के बाद हमारे शरीर को एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, अतिरिक्त ऊर्जा की जरूरत होती है। और ये अतिरिक्त ऊर्जा हमें कैसे मिलेगी, ऊर्जा हमें कैसे मिलती है बच्चों, ऊर्जा हमें मिलती है जो हम खाना खाते हैं उसके अंदर जो ग्लूकोज मौजूद होता है, उस ग्लूकोज का क्या होता है, हमारे बॉडी में ब्रेक डाउन हो जाता है। तो हम अगर खाना खा रहे हैं और सांस हमारी सामान्य है,
तब हम क्या करते हैं, उस खाने को एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करते जाते हैं। ऐसा जो है हमारा शरीर ऐसा मशीन है कि जो हम खाना खाते हैं उससे हमारे शरीर को एनर्जी हमारा शरीर बनाता रहता है, ऊर्जा हमारा शरीर बनाता रहता है। तो जब हम ज्यादा मेहनत करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। द ब्रीदिंग रेट ट्रेमेंडसली इंक्रीजेस टू प्रोवाइड मोर ऑक्सीजन टू द बॉडी। यानी जब हम ज्यादा काम कर रहे हैं तो हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए, और ज्यादा एनर्जी के लिए क्या होता है, ज्यादा एनर्जी के लिए क्या होता है बच्चों, ज्यादा एनर्जी के लिए हमें जल्दी जल्दी सांस लेनी होती है ताकि हम बहुत सारी ऑक्सीजन ले सके हमारे बॉडी में। अब जब हम बहुत सारी ऑक्सीजन अपनी बॉडी में लेते हैं तो ऑक्सीजन इन विल एड इन सेलुलर रेस्पिरेशन। तब हमारी हर एक कोशिका में, आप सभी क्लास सेवेंथ में हैं, क्लास सेवेंथ में मैंने आपको बताया था कि जो हमारा शरीर है बच्चों ये कोशिकाओं से बना है। कोशिका वाला चैप्टर आप जब क्लास एट्थ में पहुंचेंगे तो बहुत ब्रीफ में आपको बताया जाएगा, बहुत विस्तार से पढ़ाया जाएगा। अभी ये जानेंगे कि जैसे ईंट से पूरी दीवार बनी होती है, तो पूरी दीवार बनी होती है किससे, एक एक ईंट से। ऐसे ही हमारा शरीर भी जो है वो एक एक कोशिका से बना है। तो हर एक कोशिका में श्वसन की प्रक्रिया हो रही है, हर एक कोशिका में रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो रही है, और उस कोशिका में जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो रही है उसके लिए हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। सभी बच्चों को पता है कि इंसान जब सांस ले रहा होता है, यानी कि जब हम सांस अंदर को खींच रहे हैं तब हमें क्या हो रहा है, एनर्जी का फील होता है। यानी ऑक्सीजन जब हम अंदर खींच रहे होते हैं तब हमें ऊर्जा का अनुभव होता है। तो वो जो ऑक्सीजन हम अंदर को खींच रहे हैं वो अगर हम ज्यादा एनर्जी हमें चाहिए, हम ज्यादा मेहनत कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए, और जब ज्यादा एनर्जी चाहिए तो उसके लिए हमें ज्यादा ऑक्सीजन भी चाहिए। और ज्यादा ऑक्सीजन हम कैसे ले सकते हैं जी, ऐसी कैल्यू खेत के कोई बच्चा माइक ले सकता है? मैम प्रणाम। अरे बहुत खुश रहो बेटा, बहुत खुश रहो, खूब अच्छे से पढ़ो। मैं पूछ रही हूँ आपका नाम क्या है? मैम मेरा नाम नितिशा है। आप बेटा क्या पढ़ा रही हैं मैम, आपको समझ में आ रहा है? जी मैम। क्या पढ़ा रही हैं, थोड़ा सा आप अपने शब्दों में बताओ, मैम को भूल गया। मैम हाँ, डरना नहीं है बेटा, बिल्कुल कोशिका अच्छे से बता। मैं ये पढ़ा रही हूँ कि जब हम बैठे हैं तो हम कैसी सांस ले रहे हैं, सामान्य नॉर्मल सांसें ले रहे हैं हम, है ना। हम सांस अंदर को खींच रहे हैं। सभी बच्चे शांति से बैठ जाएं और एक बार फील करके देखो, आप क्या कर रहे हो, लगातार सांस ले रहे हो ना, सभी बच्चे सांस ले रहे हैं लगातार। तो जब आप सांस अंदर को खींच रहे हैं, एक सेकंड के लिए सभी बच्चे अंदर को सांस लो, गहरी सांस खींचो अंदर को। अंदर कौन सी गैस गई? ऑक्सीजन मैम। ऑक्सीजन गई, वेरी गुड। तो जब ऑक्सीजन आपकी बॉडी के अंदर गई तो आपने जो सुबह नाश्ता खाया था, मतलब जो नाश्ता खा के आप घर से आए हो, उसमें क्या था, उसमें कुछ ऐसा मौजूद था जब आपने सांस अंदर को खींची तब आपको एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया उस खाने को। ऐसे हम सामान्य तौर पे क्या कहते हैं, मम्मी क्या कहती है, नाश्ता करके जाओ नहीं तो एनर्जी कैसे मिलेगी स्कूल जाने के लिए। तो ऐसा क्यों कहती है, वो कारण आपको समझ में आ गया। जब हम ऑक्सीजन अंदर को लेते हैं तो हमारी हर एक कोशिका में कौन सी प्रक्रिया होती है बच्चों, श्वसन की। कौन सी प्रक्रिया होती है, श्वसन की। श्वसन की यानी कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है ना। वेरी गुड बेटा, आपके लिए तालियां बजा रही है मैम, आपको क्लियर समझ में आ रहा है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। आज की क्लास में सभी बच्चों ने श्वसन दर के बारे में पढ़ा। जैसी खाली खेत की बच्ची ने बहुत अच्छे से जवाब दिया, और आशा करती हूँ कि जो भी मैं पढ़ा रही हूँ वो सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आप चैट के माध्यम से या हैंड रेस के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मैं जरूर कर दूंगी। आज की क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।